एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपनी स्किन केयर रूटीन। अगर आप इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हो ना, तो आपकी आपको कोई भी फेस पैक या कुछ भी फेशियल कुछ भी करवाने की कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन जो है ना, जैसे 20 की उम्र में दिखाई देती थी ना, हमेशा वैसे की वैसे ही दिखाई देगी। तो बहुत ज्यादा बातें न करके चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह क्या करना क्या है हमें। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत ही सिंपल से तरीके लेके आती हूँ और बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, बहुत तामझाम नहीं होती है। तो आज का ये वीडियो भी बस कुछ इसी तरह का है। सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि हमें जब भी आप नाइट में सो रहे हो, उससे पहले आपको अपना फेस अच्छी तरह से क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप चाहे से आप गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिए, चाहे से कच्चे दूध का इस्तेमाल कीजिए, जो भी आपके घर में इजिली अवेलेबल होगा। बस आपको लेनी है सिंपली इस तरह से कॉटन, और मैंने लिया है ये कच्चा दूध। तो आपने मेकअप अगर आपने किया है तब भी आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना ही है, और अगर आपने मेकअप नहीं किया है तब भी आप जरूर इस तरह से कीजिए। तो ये जो आपका कच्चा दूध है, लैक्टिक एसिड इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये ऐसे भी आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट है और स्किन टाइटनिंग के लिए भी। तो जो समय से पहले, टाइम से पहले ही आपके फेस पर झुर्रियां बढ़ जाती हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट एंड बेस्ट चीज है। और जितने भी नेचुरल घर की चीजें होती है ना, ये हमारे लिए बहुत बेस्ट होती है। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए तो आप और लीजिए, लेकिन अच्छी तरह से इस तरह से फेस को क्लीन कर लीजिए। मतलब कि कोई भी डर्ट्स आपके फेस पे नहीं रहने चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ भी हो तब भी हम घर में क्लीनिंग करते हैं, किचन में लगे रहते हैं, यहाँ वहां पसीना पड़ता है, तो हमारा फेस जो है ना, उसको इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अच्छी तरह से मैंने कर लिया है फेस को क्लीन, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो होता है स्क्रबिंग। अगर आपने फेस को क्लीन कर लिया है अच्छी तरह से, स्क्रब करना भी उतना ही जरूरी होता है कि आपके स्किन के पोर्स में से, मतलब आपके जो स्किन में पोर्स होते हैं उनके अंदर जो डर्ट्स चली जाती है वो निकालना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप धूप में काम करते हो या फिर घर में ही सिंपली रह रहे हो तो भी बहुत जरूरी ये चीज हो जाती है। तो बस आपको क्या करना है कि जो दूध मेरा यहाँ पे बच गया, मैंने इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इसमें ग्लिसरीन यूज कीजिएगा, फिर देखिएगा इफेक्ट। बस थोड़ी सी आप ग्लिसरीन इसमें ऐड कर सकते हो। और ये जो मैं स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ, इसको चाहे से आप ड्राई स्किन वाले हो, ऑयली स्किन वाले हो, सब इसको फॉलो कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि ध्यान देते हैं कि हाँ जी हमारी ड्राई स्किन है या फिर ऑयली स्किन है, तो हम बहुत ज्यादा उसमें कोई भी इस तरह मॉइस्चराइजर वाली चीजें यूज नहीं करेंगे। डेली पूरा दिन भर अपना मुंह धोते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है ना वो खत्म हो जाता है। आप जरूरत के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा दूध ज्यादा रह गया था तो इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ। मतलब बहुत ज्यादा पतला वाला पेस्ट नहीं हमें बनाना है, थोड़ा गाढ़ा जैसा बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से। तो जी, अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तब भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने कोरियन स्किन केयर के बारे में तो सुना ही होगा ना, वहां की लेडीज जो है अपने फेस को, चाहे से ऑयली स्किन वाली या ड्राई स्किन वाली, बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखती हैं, और यही रीजन होता है कि उनकी स्किन जो है ना आपको इस तरह से क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है। और हम लोग ना कहीं ये वाली चीज करना भूल जाते हैं। तो इस तरह से फिर आप इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे लगाइए और अच्छी तरह से हमें करना है मसाज। और आप फिक्र मत कीजिए कि हाँ इसमें बहुत सारे दाने दाने उस तरह से हो तभी आपकी जो है डेड स्किन अच्छी तरह से निकलेगी। जो आपकी कॉफी है ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को अच्छी तरह से डीप क्लीन करते हैं। तो इस तरह से आपने इससे मसाज करनी है। लगभग 2 मिनट के लिए आप ये मसाज कीजिए। आप डार्क सर्कल के ऊपर भी इस तरह से कर सकते हो अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो, और अच्छी तरह से आप इसे मसाज कीजिए। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद अपना चेहरा आप ठंडे पानी से धो लीजिए। चेहरे को कर लिया अच्छी तरह से मैंने वॉश, और वॉश करने के बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट वाला स्टेप, कि हमें करना है अपने चेहरे को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज। और मॉइस्चराइज करने के लिए देखिए, मैं आपको सबसे बेस्ट चीज बताती हूँ कि आप ले लीजिए एलोवेरा, कोई से भी ब्रांड का आप ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर अगर आपके पास अपने घर का प्लांट है तो वो तो आपके लिए बहुत बेस्ट एंड बेस्ट चीज है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वहां से आप ले लीजिए। और साथ में मैं ले रही हूँ, देखिये ये इवॉन के हैं और 200 mg के हैं विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आपके पास 400 mg के हैं तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन 400 mg का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं ये छोटे वाले रखे हैं। तो आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर में ये इजीली मिल जाते हैं। तो ये एक मैं कैप्सूल यहां से ले रही हूं, और साथ में देखिए पहले तो इसी का इस तरह से इसके अंदर का ये जो ऑयल है
ये अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अगर आपको ये विटामिन ई के कैप्सूल प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं कहीं से भी, तो आप कैस्टर ऑयल ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो कोकोनट ऑयल। तो सारी ऑप्शन मैंने आपको बता दी। और इसके बाद आप सिंपली लीजिए एलोवेरा जेल और ऐड कर लीजिए इसमें। एलोवेरा जेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही रखिएगा, क्योंकि ये जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं इनका जो ऑयल होता है थोड़ा सा चिपचिपा चिपचिपा जैसा होता है, तो इस तरह से आपको लेना है। और अच्छी तरह से इसे कर लीजिए मिक्स। ये देखिए मिक्स कर लिया मैंने इसे अच्छी तरह से, और अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने चेहरे पे। और देखिए अप्लाई करने के बाद आपको करना है इसे मसाज, और मसाज करने के लिए आप 4 से 5 से 10 मिनट जितने मर्जी आप इसे मतलब अच्छी तरह से, जब तक मतलब ये जो हमने एलोवेरा और ऑयल लिया है ये अच्छी तरह से हमारे चेहरे में अब्सॉर्ब नहीं हो जाता है, तब तक आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए। अगर आपको बीच में थोड़ा सा चिपचिपापन महसूस हो तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ले सकते हो। इस तरह से हल्के हाथों से आप ये कीजिए। अगर आप ये 3 स्टेप डेली फॉलो नहीं भी कर सकते हो तो 2 स्टेप जरूर फॉलो कीजिए। मतलब आप स्क्रब वाला बीच में गायब भी कर सकते हो कभी कभी। और फिर देखिए अगर आप, मैं बोल रही हूँ ना, 1 हफ्ता भी आप रेगुलर ये चीज कर पाते हो ना, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कितना आपके स्किन में जो है कसाव आता है, मतलब टाइटनिंग आप खुद फील करोगे और बाकी ग्लो आप खुद ही महसूस कर सकते हो जब आप यूज कर रहे हो वो चीज। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा आगे से दिखाऊं, तो ये देखिए ये जो विटामिन ई और एलोवेरा, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इस पे कि अगर आप खाली ये भी अपने फेस पे अप्लाई करते हो ना तो आपको कभी भी बुढ़ापा छू भी नहीं सकता। और देखिए मेरे बात पे भी नहीं आना है, तो आप अप्लाई कीजिए, रिजल्ट आपके सामने खुद ब खुद होंगे। तो जी बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरे ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों। अच्छे लग रहे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना, तभी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल